कानपुर में हुआ पुलिस हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया की ओर से जारी किए गए फरमान के बाद मैनपुरी में हिस्ट्री शीटरों पर शिकंजा कसने की तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं। थाना गिरोड क्षेत्र में एक हिस्ट्री शीटर के खिलाफ एसपी की ओर से बड़ी कार्रवाई कराई गई है। आपको बताते चले, कानपुर कांड के बाद मैनपुरी में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने अब हिस्ट्री शीटर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहली कार्यवाही थाना गिरोड क्षेत्र के ग्राम शाहजापुर में की गई है। यहाँ के रहने वाले हिस्ट्री शीटर नीरज यादव के खिलाफ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बड़ा एक्शन लेते हुए नीरज यादव के मकान की कुर्की करा दी है। वहीं नीरज यादव के आपराधिक इतिहास की बात करें तो नीरज यादव पर 1.5 दर्जन से अधिक संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं नीरज यादव पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग जैसी वारदात को अंजाम दे चुका है। नीरज यादव द्वारा की गई फायरिंग में पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार की ओर से हिस्ट्री शीटर अपराधियों के खिलाफ लिए जा रहे एक्शन के बाद मैनपुरी के अन्य हिस्ट्री शीटर अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं कार्यवाही की कमान संभालते हुए यहां नीरज यादव के मकान की कुर्की कराई है। थाना घिरोर जनपद मैनपुरी का गांव शाहजहांपुर है। यहां का एक कुख्यात बदमाश नीरज यादव, जिसने पुलिस पर भी फायरिंग की थी, उसके खिलाफ कुल 20 मुकदमे पंजीकृत हैं और एक आपराधिक माफिया है। इस माफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और उस गैंगस्टर एक्ट के तहत इसके संपत्तियों का पता लगाकर, अवैध तरीके से अर्जित इसकी संपत्तियों का पता लगा करके तकरीबन 40 लाख रुपए मूल्य की इसकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी के द्वारा प्राप्त किया गया और उस आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 7 जुलाई को, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा भवन है इसका, इसकी वर्तमान में कीमत करीब 50 से 60 लाख रुपए होगी, उसको हम लोगों ने आज कुर्क कर लिया है। और उसको अटैचमेंट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे सरकारी ताला लगा करके इसको सील कर दिया गया है और इसकी सुरक्षा में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। गांव में हमारी पुलिस के जवानों द्वारा रूट मार्च किया गया है और ये एक संदेश है उन तमाम अपराधियों, माफियाओं, गुंडे मवालियों पर कि वो अपराध करेंगे तो बच नहीं पाएंगे और अगर बच करके अवैध संपत्तियां अर्जित कर ली तो उनको जमींदोज कर दिया जाएगा, उनको उनके कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। और अभी उसके सभी गुर्गों के खिलाफ हमने टीम बनाई है, 5 टीमें इस पर काम कर रही हैं और जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर उसके पूरे रैकेट को, पूरे गैंग को नेस्तनाबूद किया जाएगा।